picture. No, picture. अज का जी रोस प्रदर्शन सेगा ये समुची कांग्रेस ने हिंदुस्तान पद्धर पर असी अजे धरना लगाया ताकि असी अपनी आवाज़ आम लोगों तक पहुँचा सकी उन्होंने दस सकी कि किमें उन्होंने ही लुट के ये सरकार फायदा कमा रही है। तेल दियां जिहड़ियां कीमत है जी पहली बार होया होगा कि जिस कीमत ते तेल खरीदया जा रहा है वह घट रही है और जिस कीमत ते तेल अपने ही नागरिकां नूं वेचिया जा रहा है वो सरकार अपनियां लाइया हुई एक्साइज ड्यूटीज़ ना उसनों हर वाले हर 10-15वें दिन अपनी मर्जी ना उसनों वधा देंदे ने। मैं तुहानूं दसना चाहूँगी 2014 तो लैके अज 2020 तक जदों तो मनमोहन सिंह जी की सरकार गई है तो मोदी जी ने बागडोर संभाली है 820% की इनक्रीज एक्साइज ड्यूटी ते पेट्रोल ते हुई है तो 258% की इनक्रीज एक्साइज ड्यूटी की डीजल पर हुई है और करोना की महामारी के दौरान ही 10-13 रुपए पेट्रोल तो डीजल कीमत हर 10-15 दिन बाद वधिया है और इस तो 18 लाख करोड़ का मुनाफा जोड़ा मोदी सरकार ने कमाया। सो ये एक तरीके एक साजिश है आम बंदे के खिलाफ उसनू इस तरीके हौली हौली चोट पहुँचाउण दी कि वो हौली हौली इस कदर कमज़ोर हो जाण कि वो एक टाइम आएगा कि आम बंदा रोटी तो भी वांझा हो जाएगा जिस तरीके महंगाई वधदी जा रही है। अज असी रोस प्रदर्शन किया लोगों के कन्ना तक अपनी आवाज़ पहुँचाउण लई कि तुहाडे नाल आ हो रहा है तो हुण तुहानू अपने हक्कां वास्ते खड़न की लोड़ है। कांग्रेस पार्टी तुहाडे हक्कां की लड़ाई लड़ रही है जदों कांग्रेस की सरकार विच कीमतां वधदियां सी तो स्मृति ईरानी अर्गियां आ के चूड़ियां तोड़दियां हुंदियां सी अपनी सड़क पर अज कित्थे स्मृति ईरानी तो कित्थे ने इन्हां दे बाकी लीडर साहिबान अज वो क्यों गूंगे बने बैठे ने। सो ये धरना आम लोगों की आवाज़ बुलंद करने और आम लोगों जागरूक करने वास्ते कांग्रेस पार्टी वालों लाया गया।